हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज मैं आप सबके साथ मुरमुरे या लाई की लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कि आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से घर पे बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए जो परफेक्ट गुड़ की चाशनी की कंसिस्टेंसी होती है, उससे आप कैसे पहचाने वो भी मैं इस रेसिपी में आपको बताऊँगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की ओर। मुरमुरे का लड्डू बनाने के लिए एक बड़ा बाउल मुरमुरा, जो कि वेट में करीबन 100 ग्राम होगा, इसी के साथ मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच तिल। इसमें मैंने ब्लैक और वाइट दोनों तिल लिए हैं। अब एक कढ़ाई में मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर लूँगी, तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी लिया है। और जब से ही पानी बॉईल होने लगेगा, मैं इसमें डाल दूँगी गुड़। तो यहाँ पे मैं 100 ग्राम गुड़ यूज़ कर रही हूँ। अब गुड़ को हमें अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है, इसे आप अच्छे से कंटिन्यूसली चलाते रहें। यहाँ पे मैं गुड़ की चाशनी हाई फ्लेम पे कर रही हूँ, जिससे कि चाशनी जो है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर आप चाशनी को हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि आप इसे हमेशा चलाते रहें, वरना जो चाशनी है वो तले में चिपक सकता है या जल सकता है। तो इसे आपको गुड़ को पूरी तरह से घुलने तक वेट करना है, और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। गुड़ को आप चाहे तो और छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं, जिससे कि जो गुड़ है वो बहुत जल्दी घुल जाए। 4 से 5 मिनट के बाद जो गुड़ है वो कम्प्लीटली घुल चुका है, तब हमें इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है, जब तक कि चाशनी थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। आप इसे चला के देख सकते हैं कि जो चाशनी है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। इसे पहचानने का एक और तरीका है कि जो ऊपर का सतह है वो पूरा फ्रॉथी हो गया है, पूरा गाज गाज जैसा, मतलब कि जो चाशनी है वो रेडी हो रहा है। अब जो हमारी चाशनी है वो कम्प्लीटली रेडी हो गई है, इसकी थिकनेस एकदम परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए। इसे चेक करने के लिए आप थोड़ा सा पानी ले कटोरी में और 1-2 बूंदें चाशनी की इसमें डाल दें, और फिर आप इसे हाथ से ऐसे डिजोल्व करके देखें। अगर ये डिजोल्व नहीं होता है और इसके गोले बन जाते हैं, मतलब कि चाशनी एकदम परफेक्ट है। अब इसमें मैं जो हमारे मुरमुरे हैं वो डाल दूंगी, और इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। इसी के साथ जो तिल है वो भी हम इसमें डाल देंगे, और इन सारे चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें। आप इसे एकदम अच्छे से नीचे से चला लें, ताकि जो चाशनी है वो तले में जम ना जाए। तो इसे इस तरीके से आप अच्छे से फटाफट मिक्स कर लें। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो चाशनी है वो मुरमुरे में अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। जब चाशनी गर्म रहे, उसी वक्त आपको इसे जल्दी से मिक्स करना है, वरना जो चाशनी है वो जम जाता है। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं हाथ पे थोड़ा सा सा पानी लगा के इसका लड्डू बना लूँगी। तो आप अपने डिज़ायर्ड शेप के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी लेकर ऐसे हाथों में इसका लड्डू बना लें, और इसे आप प्रेस करते रहें। आप जब भी मुरमुरे के लड्डू बनाएं, उसे आप ऐसे अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करके ही बनाएं। आप इसे जितनी अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, ये उतना ही अच्छा शेप होल्ड करेगा। तो ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से मैं आपको एक और लड्डू बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो लड्डू बनाए हैं वो मीडियम साइज़ के बनाए हैं। आप चाहें तो इससे छोटा या फिर इससे बड़ा भी बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप इसे अच्छे से प्रेस कर करके बनाएं। तब इसी तरीके से मैं बाकी के भी लड्डू बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डू रेडी कर लिए हैं। इस लड्डू को मकर संक्रांति के ओकेशन पे भी बनाया जाता है, तो आप भी इस मकर संक्रांति इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये ईजी सी और सिंपल सी मुरमुरे के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।